अस्सलामु अलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। ये मैंने यहाँ पे केक काट लिए हैं और इस पानी में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड के डाल दिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है 1 किलो और इसमें मैंने 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब मैं ये आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड के पानी को इसमें डाल लूँगी और मैं चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इस तरह से मैं आपको चूल्हे को तेज़ कर दिया। ये देखिए अब ये गाढ़ा होने लगा है और आज जुम्मे का दिन है। मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आप सब क्या कर रहे हैं? आज जुम्मे का दिन है, आप सब भी मसरूफ़ होंगे। देखिए ये गाढ़ा हो रहा है थोड़ा सा। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि केक के साथ ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब मैं फ्लेम बंद करने लगी हूँ। इसमें उबाल आ गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं इसको केक में भी डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा कस्टर्ड हो गया है रेडी। ये देखिए हमने केक डाला है, आप लोग ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और कस्टर्ड के साथ अपनी जेली भी मिलती है तो वो जेली भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें ना ही जेली पसंद है और ना ही ड्राई फ्रूट, इसलिए हम सिंपल से बना रहे हैं। तो हमने केक ही डाल लिया है। आप कमेंट में बताना आपको कौन सी वाली अच्छी लगती है, ड्राई फ्रूट वाली या जेली वाली या फिर केक वाली। और हमारी वीडियो को अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।